नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 9 दिसंबर तक गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदाता बनने के लिए 1 नवंबर 2019 के पहले के पास स्नातक नागरिक कर सकते हैं आवेदन। 9 दिसंबर को आवेदन की है आखिरी तारीख। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। घर व दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों कामदेव सिंह, सूरज पांडे और रवि कुमार के ऊपर प्राइस थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। महायोजना 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों की जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का किया गया आयोजन। 1000 से अधिक नागरिकों की सुनी गई आपत्ति। कहा, आपत्ति पर नागरिकों के प्रस्ताव को समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके किया जाएगा चर्चा। नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। M2 EVM मशीन के संचालन की दी गई विस्तृत जानकारी। बांसगांव तहसील के नए SDM के रूप में पवन कुमार ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गाँव में लगाया जाएगा चौपाल। कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLE को LED टीवी, ईयरफोन आदि देकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने किया सम्मानित। कहा, BLE द्वारा सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन करके दिलवाया गया है लाभ। उत्साह वर्धन के लिए किया गया है सम्मानित। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत सोमवार को महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतिहाता में PT प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्र व छात्राओं को 10 दिसंबर को संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर CM योगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मानित। अब खबरें विस्तार से। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने MLC चुनाव पर कहा कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 1 नवंबर 2019 के पहले अपना स्नातक पूरा कर लिया था वे व्यक्ति मतदाता बनने के पात्र हैं। इसलिए मेरा सभी स्नातक व्यक्तियों से अपील है कि 9 दिसंबर से पहले अपना आवेदन कर दें, क्योंकि 9 दिसंबर को ही आवेदन की आखिरी तारीख है। इसके अलावा विधानसभा निर्वाचक नामावली में जो कि 1 जनवरी 2023 को जो भी व्यक्ति 18 वर्ष का हो गया है वह 8 दिसंबर को हर परिस्थिति में ऑनलाइन या ऑफलाइन अपना फॉर्म जमा कर दे, जिससे वह विधानसभा नामावली में शामिल हो सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा। नमस्कार, मैं राजेश कुमार सिंह एडीएम फाइनेंस और डिप्टी DO गोरखपुर हूँ। आप सबको सादर सूचित करना है कि गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए जो भी हमारे ग्रेजुएट निवासीगण हैं, सम्मानित निवासीगण हैं, और जिन्होंने 1 नवंबर 2019 के पूर्व अपना स्नातक पूर्ण कर लिया है वे मतदाता बनने के पात्र हैं। मेरा अनुरोध है कि आगामी 9 दिसंबर के पहले पहले वे अपने आवेदन कर दें। वो लास्ट डेट है, उसके बाद फिर उनका नाम जुड़ने में दिक्कत आएगी। तो मेरा अनुरोध है कि 9 दिसंबर के पूर्व अपना आवेदन कर और तहसील में उसको जमा कर दें। इसी के साथ साथ विधानसभा निर्वाचक नामावली में जो भी 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष का हो गया है उसे प्रत्येक दशा में 8 दिसंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन अपने फॉर्म जमा कर देने हैं, जिससे वो विधानसभा निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। पिपराइज थाने की पुलिस ने घर व दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिसके संबंध में SP नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि पिपराइज थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर तीन अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान कामदेव सिंह पुत्र स्वर्गीय रामकिशन सिंह निवासी बधिक टोला पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज पांडे उर्फ कल्लू पुत्र सुनील पांडे निवासी
निवासी लहरा दुर्गा मंदिर के पास रामपुर थाना ब्रजमनगंज जनपद महाराजगंज हाल पता अमीना नगर कॉलोनी पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर तीसरा रवि कुमार पुत्र इंद्रकेश निवासी ग्राम हुलिया परतावल थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर हाल पता मोहनापुर चौकीदार टोला थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि अभियुक्त अपने गैंग के सदस्यों के साथ सुसंगठित आपराधिक गैंग बनाकर अपने आर्थिक भौतिक लाभ हेतु चोरी व नकबजनी से संबंधित अपराध करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। इस गैंग के लीडर एवं सदस्यों के आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर के अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 5/12/2022 को थाना पिपराइच में कामदेव आदि 3 नफर अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इन अपराधियों का लंबा आपराधिक इतिहास है, ये चोरी व छिनैती के मामलों में शामिल रहे हैं। इनकी संपत्तियों की भी जांच की जा रही है, यदि कोई अवैध संपत्तियां प्राप्त होती हैं तो उनको नियमानुसार जब्त कराया जाएगा। जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में महायोजना 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों की योगी बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने बताया कि महायोजना 2031 पर 11,000 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिसको देखते हुए 1,000 लोगों को 2 शिफ्टों में बुलाकर जनसुनवाई की गई है। इसके बाद महायोजना की समिति सभी आपत्तियों पर विचार करने के बाद प्रस्ताव को आगे करेगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई में झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 नागरिकों को बुलाया गया है, जिसमें लोगों की समस्या है कि परखंडीय पार्क को आवासीय घोषित किया जाए, क्योंकि वहां पर सभी जगह मकान बन चुके हैं। इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। इस अवसर पर जीडीए के संपत्ति अधिकारी इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर ने कहा, एक नगर है आपकी आपत्ति संख्या सर, क्रम संख्या 2066 है सर, पूरा मैंने जो साहब 1600 के बीच में तो सब क्रमांक संख्या मिलाएगा, आपत्ति संख्या मत मिलाएगा, क्रमांक संख्या 1129 क्या बोल रहे हैं, आपत्ति क्रमांक है क्रम संख्या है, क्रम संख्या जो है 1221 है, आपत्ति संख्या 1221 है ना, अभी 1131 1132 1133 1134 1135 1138 उसको कम कर दिया जाए ताकि उससे तमाम लोगों का उसमें हाल हो रही है। मकान बन गया है 2013 से और जो है वो पहले जो है सब काश्तकार की ज़मीन थी, वह हम लोग ले लिए और बनवा लिए और बाद में पता चला कि 50 मीटर तक ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 2018 में NGT ने कर दिया तो उसको जो है सर आवासी किया जाए। ठीक है, 1471 से 1480 1481 से 1490 1491 से 1500 लगभग सारे विषय क्लियर हो, झारखंड का ये थोड़ा नंबर एक आप सबका स्वागत है, सबको नमस्कार। हाँ, आज जो आपत्तियाँ हमको महायोजना के संबंध में प्राप्त हुई थी वो लगभग 11,000 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थी, क्योंकि ग्रुपिंग करना जरूरी था कि एक तरह के मैटर एक बार में अगर सुन ले जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको भी समझ में आएगा कि क्या कहाँ पे करना चाहिए।
और आपको भी अपनी बात कहने में आसानी होगी, वरना ऐसा संभव नहीं होता है कि एक ही व्यक्ति को बुला के वो अपनी बात कहता है तो वो ठीक से ना तो कन्वे हो पाती है और ना ही उसके ऊपर कोई निर्णय हो पाता है। तो इसी क्रम में आज आप लोगों को यहाँ पर इन्वाइट किया है और दूसरे फोन में भी हम लोगों ने 12:30 बजे दूसरे और अन्य लोगों को बुलाया है। तो मैं मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी 30-40 लोगों से अलग अलग बात हो चुकी है। सर्वप्रथम डीजे को धन्यवाद कि हम लोग को बुलाया जो है, और अभिषेक नगर से हम लोग हैं सर, और पाखंडी पार्क हमारा क्षेत्र घोषित है जबकि हमारे क्षेत्र में कम से कम हजारों मकाने हैं और आज से नहीं है सर, 100-200 साल से लोग रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ियां वहां रह रही हैं और जीडीए ने उसको जो है पाखंडी पार्क घोषित कर दिया जबकि महाराज जी के नेतृत्व में कई कार्यक्रम है, उनके निर्देश में पूरी कॉलोनी डेवलप है, वहाँ हर एक सुविधाएं, चाहे वह सीवर की सुविधाएं हैं, चाहे वह ड्रेनेज सुविधाएं हैं, चाहे वह रोड की सुविधाएं, हर एक लाइट, ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारी कॉलोनी गोरखपुर महानगर में नहीं है। वहां के मूल बासिंदे भी इससे चिंतित हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहे हैं और जीडीए ने हमको कह दिया, एक अफवाह उड़ गया था कि बुलडोजर चलेगा और सब टूट जाएगा। उन गरीबों के लिए सोचिए, एक मिडिल मैन के लिए सोचिए जो जमीन लेता है और जिंदगी भर की कमाई मकान में लगा देता है और 20-30 साल रहने के बाद जीडीए कहता है कि ग्रीनलैंड है, आप यहाँ से हटिए, जाएगा कहाँ? वो तो आप ही का है, वो महाराज जी के लोग हैं, सारे महाराज जी के नेतृत्व में वहाँ काम हुए हैं, महाराज जी के कार्यक्रम होते हैं, वहाँ विधायक निधि, सांसद निधि, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का भी नेम प्लेट लगा हुआ है। तो यदि सारी सुविधाएं वह क्षेत्र, ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमारे यहाँ न हो सके। और हम लोग रजिस्टर्ड कॉलोनी से भी हैं, महाराज जी का काफी स्नेह भी रहा है, कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन सब दुर्भाग्य है कि जीडीए ने मकान, अच्छे जीडीए के वेबसाइट को उसने अवैध घोषित कर दिया, आपने यदि उसको हरित क्षेत्र घोषित किया है तो आपको इंक्वायर करना चाहिए, वहां के लोगों को हटाना चाहिए, वहां सब कुछ डेवलप था, लोग आके मकान बना दिए 30 साल। तो समस्या देना हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। दो तीन बातें आपने मिक्स कर दी है, उनको मैं क्लैरिफाई थोड़ा कर दूँ। ये जो नोटिस आपको दिए गए हैं, ये नोटिस इस बात के लिए नहीं दिए गए हैं कि हम वहाँ से आप लोगों को डेमोलिशन करना चाहते हैं या कोई वहाँ पे मकान तोड़ना चाहते हैं। ये नोटिस इस बात के लिए दिए गए हैं कि जो महायोजना 10 साल में एक बार बनती है, उस महायोजना में कौन सा क्षेत्र क्या रहेगा, ये एक रूटीन प्रक्रिया होती है और हर 10 साल में एक बार होती है। जैसे 2021 का, अब हम एक साल लेट चल रहे हैं, तो 2021 की मास्टर प्लान जो डिसाइड करना है वो अब हो रहा है और यही चीज़ आप देखेंगे कि 10 साल के बाद 2031 में भी फिर आएगा। तो हर 10 साल में हमें अपने शहर को कैसे प्लानिंग के साथ आगे बढ़ाना है ताकि व्यवस्थित विकास हो, ऐसा ना हो कि विकास तो हम कर रहे हैं और बाद में स्लम बन जाए ये छोटे छोटे शहर जो हैं। तो ये छोटे शहर स्लम ना बने, जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया वहाँ रेजिडेंशियल बने, जहाँ कमर्शियल वहाँ पे कमर्शियल बने, मिक्स ना हो जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फिर अगर विकास व्यवस्थित नहीं होगा तो अल्टीमेटली उसका नुकसान आप ही लोगों को होगा, बाकी किसी को नुकसान नहीं होता उस चीज़ का। तो उस व्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करने के लिए हर 10 साल में एक महायोजना बनाई जाती है। उस महायोजना में हमें जो पहले के 2000 आज से जो 10 साल पहले किसी ने उसको फाइनल किया होगा तो उसमें जो नक्शा मान लो ग्रीन था, अब वहाँ पे आवास बन गए हैं, तो फिर हमें उनको देना होता है कि भाई आपका, आपने आपत्ति की है कि भाई हमारा यहाँ मकान बना हुआ है, तो आप लोग यहाँ पे उसी सिलसिले में आए हैं। जो हमारा और आपके बीच का जो डिफरेंस है कि मैप कुछ और कहता है, वहाँ की वास्तविकता कुछ और कहती है, उसी के क्रम में आपने आपत्तियां भी की। और मिडिल क्लास जो सैलरी से मैं 10 साल हो गए जॉब करते, कुछ कुछ पैसा कट करके, और मैं एक, अब जो बोले 100% सहमत हूँ, मैं पुणे में हूँ, एक डेवलप्ड सिटी है, ऑर्गेनाइज है, आपका मंशा वही है, बट सर अभी मैं देखा, मैं जहाँ प्लॉट लिया, मेरा एक सपना है कि मैं अपने मम्मी पापा के लिए गोरखपुर में घर बनाऊँ, क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे, मैंने मेहनत किया, पढ़ के थोड़े पैसा कमाना शुरू कर दिया, तो उनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल देने के लिए एक प्लॉट खरीदा। अब सर इसमें हमारी गलती क्या है, वहाँ एक दो मकान ऑलरेडी बने हैं, पहले से मेरे रिलेटिव लोग भी ऐसे ही खरीदते थे, हमने खरीदा, अब वो जाके आपने अनियमित कर दिया, तो उसमें अब हमारी क्या गलती है? जो कॉलोनाइजर्स हैं वो, उनको रजिस्ट्री करने का मौका ही नहीं दिया जाए, हम जाएं कचहरी में बोल दिया जाए कि नहीं इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है, ये चीज चाहिए। अभी तो मैं लेके फंस गया, अभी मैं क्या करूं? मैं ईएमआई देता हूं सर, मैं इतना बड़ा अपना एक जिंदगी का एक ही सपना है, मैं तो पुणे सेटल हो लूंगा, लेकिन मेरे मम्मी पापा को यहाँ मेडिकल फैसिलिटी है, अच्छा डेवलप हो रहा है, एम्स बन रहा है, हम बिहार से हैं, नो डाउट कि हम यूपी से नहीं है, मैक्सिमम लोग यहाँ आते हैं कि ये एक
हमारे आसपास का बढ़िया सिटी है, तो मेडिकल है, एजुकेशन है, इसके लिए हम अपना मतलब पूरा पैसा, इवन पर्सनल लोन भी लिया, लोन लेके हम ईएमआई भर रहे हैं और मकान बनाएंगे तो होम लोन लेंगे। तो मैं तो फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ, पेपर जब से पढ़ा तब से मेरा मेंटली मतलब सिचुएशन सही नहीं है सर। सुनवाई की जा रही है, क्या काम है आज? कुल मिला के 11,000 आपत्तियाँ हम लोगों ने हमें प्राप्त हुई थी, उसी क्रम में आज दो शिफ्टों में लोगों को यहाँ पे इनवाइट किया है और लगभग 1,000 लोगों को आज हमने इनवाइट किया है, उनकी आपत्तियों का आज सुनवाई की जा रही है, उसके बाद समिति जो है अपनी रिकमेंडेशन आगे फॉरवर्ड करेगी। अभी तो हमने ग्रुपिंग करके बुलाया हुआ है, मोस्टली यहाँ पे इस शिफ्ट में जो है झारखंडी टुकड़ा नंबर 1 के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उनकी आपत्ति है कि प्रखंडीय पार्क को आवासीय घोषित किया जाए क्योंकि वहाँ पे सारे जगह पे मकान बन चुके हैं, तो उनकी आपत्ति है, सुनवाई की जा रही है और व्यवहारिक दृष्टिकोण से और नियम के तहत जो हम लोग निर्णय ले सकेंगे वो समिति अपना रिकमेंडेशन बाद में देगी। नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे मास्टर ट्रेनरों का एनएक्सी भवन के सभागार में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया, जिसके संबंध में सहायक निदेशक बचत ब्रजेश यादव ने एक बताया कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि पोलिंग पर्सन को प्रशिक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि मास्टर ट्रेनर को चुनाव की सामान्य प्रक्रिया व M2 मॉडल की EVM मशीन को संचालित करने के लिए भी जानकारी दी जा रही है कि किस तरह वोट पड़ेगा, क्योंकि यह चुनाव M2 मॉडल की EVM मशीन से होगा। इस अवसर पर जिला विकास अधिकारी राजमणि वर्मा, अधिशासी अभियंता अवधेश सिंह, मास्टर ट्रेनर मनोज कुमार गुप्ता सहित अन्य मास्टर ट्रेनर मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सहायक निदेशक बचत ब्रजेश यादव ने कहा, और उसके बाद इनको रिफर कर दीजिए सेकंड के पास क्यों जाएंगे ये, क्यों वही जो क्रमांक है वो डालेंगे काउंटर फाइल में और इनसे कहेंगे कि इस पे अपना दस्तखत कर दीजिए, अंगूठा निशानी लगा दीजिए। और आप सबको पता है कि ये स्क्रीन और नाखून लिए लगाई जाती है और इस प्रकार लगाइए कि वो उस पर बिल्कुल लग जाए, और लगने के बाद अब लग गया है, दस्तखत करवा लिया है, काउंटर फाइल से मेन फाइल को अलग करिए, अलग कर करके अब क्या करना है उनको पहले मोड़ना समझा दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि ये पेज है उसका मतपत्र का, सीधा ही मान लीजिए, तो इसमें इसको आधा यूं मोड़ दीजिए और आधा इधर से मोड़ करके, और ऐसे मोड़ने के ऐसे करके आप दबा दीजिए उसको और उसको पकड़ा दीजिए। बात आ रही समझ में कि जब वोट दे लोगे वहां पे तो ऐसे ही तुम मोड़ना उसको, क्यों कहा जा रहा है वो मोहर मार रहा है इस पर, वहां पर मारेगा जाके तो स्याही है। और अगर मान लीजिए उसने ऐसे न मोड़ने के बजाय ऐसे मोड़ दिया तो इस वाले का ये जो मुहर लगा है वो इस पर भी लग सकता है और काउंटिंग के दौरान कंफ्यूजन पैदा कर देगा कि वो इसको वोट दिया किसको दिया, जबकि वो मालूम हो जाता है कि किसको दिया, लेकिन विवाद बनता है वहां पर। तो इससे बचने के लिए मोड़ने का तरीका समझाया गया है। और अगर दो कॉलम में बनाए होंगे या कुछ साइड में बनाया गया है उसी पेज पर, पेज एक ही होगा, तो उसको दो पार्ट में बांटिए, अब ऐसे करिए, एक पार्ट ये हो गया और दूसरा पार्ट समझिए यूं हो गया, तो इसमें भी इसको ऐसे मोड़ना है आपको सेंटर से, इधर से भी सेंटर से मोड़ना है, इधर से दोनों से, और उसके बाद ऐसे करना है। क्लियर हो रही बात? मेरा नाम ब्रजेश यादव है, सहायक निदेशक बचत के पद पर मैं गोरखपुर में कार्यरत हूँ। किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता है? ये प्रशिक्षण नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 का जो इलेक्शन होना है उसमें प्रशिक्षण, जो मेन प्रशिक्षण हमारा पोलिंग पर्सनल्स का शुरू होने वाला है, उनको पोलिंग पर्सनल्स को प्रशिक्षित करने के लिए जो मास्टर ट्रेनर लगाए गए हैं उन मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग आज हो रही है। क्या क्या जानकारी दी जा रही है? चुनाव की सामान्य प्रक्रिया और M2 मॉडल की जो हमारी EVM मशीन है, चूँकि ये चुनाव जो है M2 मॉडल की EVM मशीन से होना है तो EVM मशीन की इनकी जानकारी दी जा रही है इनको। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पे जाने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर।
9 दिसंबर तक गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदाता बनने के लिए 1 नवंबर 2019 के पहले के पास स्नातक नागरिक कर सकते हैं आवेदन। 9 दिसंबर को आवेदन की है आखिरी तारीख। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। घर व दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाले 3 अभियुक्तों कामदेव सिंह, सूरज पांडे और रवि कुमार के ऊपर पिपराइज थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। महायोजना 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों की जीडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जन सुनवाई का किया गया आयोजन। 1000 से अधिक नागरिकों की सुनी गई आपत्ति। कहा, आपत्ति पर नागरिकों के प्रस्ताव को समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके किया जाएगा चर्चा। नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। M2 EVM मशीन के संचालन की दी गई विस्तृत जानकारी। बांसगांव तहसील के नए SDM के रूप में पवन कुमार ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गाँव में लगाया जाएगा चौपाल। कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLE को LED टीवी, ईयरफोन आदि देकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने किया सम्मानित। कहा, BLE द्वारा सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन करके दिलवाया गया है लाभ। उत्साह वर्धन के लिए किया गया है सम्मानित। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत सोमवार को महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतिहाता में PT प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्र व छात्राओं को 10 दिसंबर को संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर CM योगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मानित। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। SDM पवन कुमार ने बांसगांव तहसील का कार्यभार ग्रहण किया, जिसके संबंध में SDM बांसगांव पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर SDM बांसगांव का पदभार ग्रहण किया है। मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि शासन की योजना को धरातल पर लागू किया जाए। इसके अलावा इस समय नगर निकाय चुनाव जिसका आगाज हुआ है उसको शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से सम्पन्न करवाना है। उन्होंने बताया कि नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गाँव में चौपाल लगाया जाएगा, जिसमें सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहेंगे। नागरिकों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बांसगांव के नवागत SDM पवन कुमार ने कहा, जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में आज मेरे द्वारा बांसगांव का SDM का पद ग्रहण किया गया है। इसमें मेरी प्राथमिकता रही है कि शासन के जो भी योजनाएं हैं उसको सही धरातल पर लागू करने के लिए, और साथ ही अभी नगर निकाय चुनाव जो हमारे सामने पहली प्राथमिकता है उसको शांतिपूर्वक एवं निष्पक्ष तरीके से कराने की हमारी पहली प्राथमिकता होगी। सर, बहुत से समस्याएं भी वहाँ पे बात में आती लोगों की, किस तरह से जन समस्याओं का निस्तारण किया जाएगा? देखिए, जन समस्याओं को दूर करने के लिए हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि हम गाँव में चौपाल लगाएंगे और जिसमें समस्त विभागों के कर्मचारी अधिकारी गण आएंगे और मौके पे ही तत्काल समस्या का निस्तारण कराया जाएगा। अपर जिलाधिकारी पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले VLE को LED TV ईयरफोन देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने बताया कि कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 12 BLE को ईयरफोन, TV, LED ईयरबड्स देकर सम्मानित किया गया है, जिससे यह लोग और अच्छे से कार्य कर सकें। यह लोग 3 साल से कार्य कर रहे हैं और शासन के द्वारा चलाई जा रही योजना का ऑनलाइन आवेदन, जाति, आय, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, हैसियत प्रमाण पत्र को ऑनलाइन बना रहे हैं और सरकार को लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों को BLE कंपनी ने गिफ्ट दिया है, जिससे यह लोग प्रोत्साहित हो सकें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने कहा, ये कौन दिया?
सर यहाँ पर किस तरह का कार्यक्रम संपन्न हुआ? ये BLS कंपनी ने जो इनके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं जो संचालित करते हैं उसमें जिन्होंने उत्कृष्ट कार्य किया है, यानी कि जो गवर्नमेंट को बहुत अच्छा उन्होंने जो फ़ायदा पहुंचाया है, तो उन ऐसे 12 BLS को आज यहाँ पर ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने ईयरफोन, टीवी, LED, ईयरबड्स, इस तरह का आइटम मतलब उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये दिया गया है ताकि वो और अच्छा से अच्छा काम कर सके। सर ये लोग कितने दिनों से काम कर रहे थे लोग जिनका चयन हुआ अभी तक? ये BLS वाले तो 3 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं और आप देखते होंगे कि जन सेवा केंद्र हैं जो भी उनके माध्यम से जो ई सेवाएं होती हैं वो सारी चीज़ें ये लोग करते हैं, जैसे आय जात निवास प्रमाण पत्र है या कोई राशन कार्ड है, आजकल हैसियत प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन हो गई वो ऑनलाइन सर्विस देते हैं, तो इसमें जो जिन्होंने अच्छा काम किया है उन्हीं लोगों को पुरस्कृत किया गया है। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत सोमवार को महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतिहाता में PT प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें अलग अलग विद्यालय के छात्रों ने प्रधानाचार्य के समक्ष उपस्थित होकर अपने अपने PT को प्रदर्शित किया, जिसके संबंध में महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने बताया कि महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद संस्थापक समारोह के अंतर्गत PT प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसमें महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय के छात्र एवं छात्राएं भाग कर रहे हैं। यहां पर निर्णय देने के लिए 3 लोग का निर्णायक मंडल समूह बनाया गया है, जो कि बच्चों के PT देखने के बाद अपना निर्णय सुनाएंगे तथा प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता घोषित किया जाएगा। इन सभी विजेताओं को 10 दिसंबर को महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के समापन अवसर पर CM योगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य पंकज कुमार ने कहा,
पंकज कुमार, प्रिंसिपल महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ये महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित पीटी प्रतियोगिता, जिसमें विभिन्न विद्यालय महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय यहाँ पे प्रतिभाग करते हैं, और निर्णायक मंडल तीन लोगों का समूह है जो अपना निर्णय सुनाएंगे, और इसके आधार पे प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय विजेताओं को घोषित किया जाएगा। बच्चों को सम्मानित महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा 10 दिसंबर को पुरस्कृत किया जाता है एमपी इंटर कॉलेज में। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 9 दिसंबर तक गोरखपुर फैजाबाद स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव में मतदाता बनने के लिए 1 नवंबर 2019 के पहले के पास स्नातक नागरिक कर सकते हैं आवेदन। 9 दिसंबर को आवेदन की है आखिरी तारीख। एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने दी जानकारी। घर व दुकानों में नकब लगाकर चोरी करने वाले तीन अभियुक्तों कामदेव सिंह, सूरज पांडे और रवि कुमार के ऊपर प्राइस थाने की पुलिस ने जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा किया पंजीकृत। एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने दी जानकारी। महायोजना 2031 के प्रारूप पर प्राप्त आपत्तियों की जेडीए उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में जनसुनवाई का किया गया आयोजन। 1000 से अधिक नागरिकों की सुनी गई आपत्ति। कहा, आपत्ति पर नागरिकों के प्रस्ताव को समिति के सदस्यों के साथ बैठक करके किया जाएगा चर्चा। नगर निकाय चुनाव में ड्यूटी पर लगे मास्टर ट्रेनरों के प्रशिक्षण का किया गया आयोजन। M2 EVM मशीन के संचालन की दी गई विस्तृत जानकारी। बांसगांव तहसील के नए SDM के रूप में पवन कुमार ने कार्यभार किया ग्रहण। कहा, शासन की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना होगी उनकी पहली प्राथमिकता। नागरिकों की समस्याओं के निस्तारण के लिए गाँव में लगाया जाएगा चौपाल। कॉमन सर्विस सेंटर में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLE को LED टीवी, ईयरफोन आदि देकर अपर जिलाधिकारी प्रशासन पुरुषोत्तम दास गुप्ता ने किया सम्मानित। कहा, BLE द्वारा सरकार की योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑनलाइन करके दिलवाया गया है लाभ। उत्साह वर्धन के लिए किया गया है सम्मानित। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक समारोह के अंतर्गत सोमवार को महाराणा प्रताप सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेतिहाता में पीटी प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। कहा, प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार पाने वाले छात्र व छात्राओं को 10 दिसंबर को संस्थापक समारोह के समापन के अवसर पर CM योगी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे सम्मानित। अब मुझे दे इजाजत। नमस्कार।